Hi guys, welcome back to my channel. Gracing Glow, this is Manjula Singh, your beauty expert. और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने चैनल में कुछ चेंजेस करने का डिसाइड किया है, कुछ नए टॉपिक्स लाने का. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैल्शियम डिफिशियंसी या फिर दूसरे तरीके की कमी है आपके शरीर में, उसको दूर कैसे कर सकते हैं. आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास है. आज उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है वीडियो जिनको चश्मे लगाना पसंद नहीं है. तो जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिससे कि आपका चश्मा हट सकता है, आपकी नज़र तेज हो सकती है और आपका माइंड जो है बहुत ही ज्यादा शार्प होगा. तो ये कौन नहीं चाहेगा कि उसके आंखों के चश्मे हट जाए, या फिर कौन नहीं चाहेगा कि जो आपकी मेमोरी है वो काफी पावरफुल हो जाए. आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई फोन आया हो और आपको याद ही नहीं आ रहा हो कि वो फोन पे जो बात कर रहा है वो कौन है. तो मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा हुआ है. कंडीशन बहुत ही अजीब हो जाती है कि मैं बता भी नहीं पाती कि मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ. तो प्रिटेंड करना होता है हमें कि हाँ मैं आपको पहचान रही हूँ या जो भी हैं आप सामने, जब तक कि बात थोड़ी आगे नहीं बढ़ जाती. क्योंकि जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है. तो ये सिचुएशन आती है अगर आपका मेमोरी शार्प ना हो. तो मैंने भी बहुत मेहनत किया है अपने मेमोरी को शार्प बनाने के में और अपने आंखों को भला चंगा रखने में, और टच वुड मेरे अभी तक चश्मे नहीं लगे. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंखें तेज रहें, रोशनी बरकरार रहे, आपके घर में अगर कोई बच्चा है उसकी भी आंखें सही सलामत रहे लंबे समय के लिए, तो आज की वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है. चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको अपनाकर हम अपनी मेमोरी को शार्प बना सकते हैं और अपनी आईज को तेज कर सकते हैं, नजर को अच्छी कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. हम अपनी आंखों से ही इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं. इसलिए अपनी आंखों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आयुर्वेद कहता है कि आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर सही डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, मन में चश्मा हटाने का पक्का इरादा हो, तो आप अपने चश्मे का नंबर ही नहीं घटा सकते हैं, बल्कि चश्मे को हटाया भी जा सकता है हमेशा के लिए. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. पहला स्टेप है रोज सुबह त्रिफला चूर्ण के पानी से अपनी आंखों को वॉश करना. एक कप पानी में एक चम्मच त्रिफला चूर्ण डालिए, बॉईल कीजिए, स्ट्रेन कीजिए और ये जो वाटर रेडी हुआ इसे अपने आंखों को आपको वॉश करना है. पहले मुंह में प्लेन वाटर भर लेना है ताकि आई मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाएं. अब इस वाटर से आई वॉश करना है. अच्छी तरह से जो ये पानी है त्रिफला चूर्ण का उसको अपने आंखों पे छींटे डालें. मुंह में पानी भरा हुआ होना चाहिए. इस प्रक्रिया को कम से कम एक मिनट तक कीजिए और रोज कीजिए, तो आपको फायदा पहले ही हफ्ते से दिखाई देगा. आपकी आंखें ज्यादा हेल्दी नजर आएंगी. इसके बाद आपको एक आई टॉनिक रेडी करना है जिसको आपको रोज लेना है, पीना है इसे. इसके लिए लीजिए 5 बादाम ब्लेंच्ड सोक किए हुए, उसके बाद उसका छिलका उतारा हुआ. 5 से 6 बादाम आपको लेना है, 4 ब्लैक पेपर लेना है, पाम कैंडी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है 1/2 से 1 इंच का, स्पिनेच आपको 1/2 कप लेना है, ये भी ब्लेंच्ड होना चाहिए, कैरेट्स लेने हैं 2 मीडियम साइज के, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए, पपाया लेना है 1 कप, इसको भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए. इसके बाद इसको ग्राइंड करना है 1 ग्लास पानी के साथ. स्ट्रेन नहीं करना है क्योंकि इसके रफेज होंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा. एज इट इज आपको पीना है. रोज कोशिश कीजिए एक बार इसको लेने का, और इसके लेने के बाद इसका फायदा आपके बॉडी को पूरी तरह से मिले इसके लिए 1 घंटे तक आपको इसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है. कोशिश कीजिए फर्स्ट हाफ में लेने का, क्योंकि कोई भी जो रॉ फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उसका फायदा फर्स्ट हाफ में ज्यादा होता है. अपने डेली डाइट में ढेर सारी हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल करें, फ्रेश फ्रूट्स, दूध, दही, ये सब खाने की कोशिश करें. इसमें विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों की जरूरत होते हैं. अपने डेली डाइट में घी को भी शामिल करें, क्योंकि घी एक सुपर फूड होता है जो आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है. साथ ही साथ एक बहुत ही यूनिक चीज अपने डेली डाइट में अगर आप शामिल करते हैं तो आपके चश्मे का नंबर डेफिनेटली घटेगा. वो है महात्रिफला घृत, यानी त्रिफला का बना हुआ घी होता है जो आपके हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट होगा, साथ ही साथ आपके आंखों पे भी. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं और एवरीडे डाइट में शामिल भी कर सकते हैं. और एक आसम खास बात मैं बता दूं कि त्रिफला के बने हुए आई ड्रॉप्स भी मिलते हैं, उसको अगर आप एवरी नाइट अपने आंखों में डालते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा. लेकिन कोई भी आई ड्रॉप इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. वैसे तो ये आयुर्वेदिक है, पूरी तरह से सेफ है, लेकिन मैं सेफ साइड के लिए बता दूं कि एक बार अगर आपने डॉक्टर से पूछ लें तो आप ज्यादा निश्चिंत होकर इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन आंखों में घी हो गया, ऑयल हो गया या फिर किसी ऐसी तरह की खाने पीने की चीजों को डालने की कोई जरूरत नहीं है. प्रॉपर आई ड्रॉप है उसी को आप डालिए. लेकिन घी, तेल, दही, दूध, छाछ, इन सब चीजों को आंखों में डालने की जरूरत नहीं है. ये किसी भी तरह से सेफ नहीं है आंखों के लिए, ना ही इसका कोई प्रूफ मिला है कि ये चीजें हमारे आंखों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं. अगर लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम करते हैं तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन का यूज करें. मोबाइल को अननेसेसरी यूज ना करें.
क्योंकि मोबाइल से जो ब्लू रेज निकलते हैं वो आंखों के लिए हार्मफुल होते हैं। दिन भर में 8 से 10 बार आंखों को ठंडे पानी से धोएं। बार बार आंखों को धोने से इसकी ड्राइनेस कम होगी। सर्वांग आसन करें, आंखों को धूप से बचाएं, अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस यूज करें और रात में त्रिफला चूर्ण मिला हुआ पानी जरूर पिएं। रात को सोने से पहले तलवों पर सरसों तेल की मालिश करें। तलवों के जो नस होती हैं, वेन्स होते हैं, वो हमारे आंखों से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए पैरों की मालिश के बाद आंखों का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर हो जाता है, तेज होता है और इससे आंखें हेल्दी होती हैं। तो पूरे वीडियो में आपने ध्यान दिया कि मैंने घी पे बहुत जोर डाला है, त्रिफला चूर्ण पे बहुत जोर डाला है और आंखों को वॉश करने के लिए बार बार बोला है। तो ये सभी चीजें हैं हमारे आंखों के लिए फायदेमंद होती हैं। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप रेगुलरली करते हैं तो विश्वास मानिए, ना सिर्फ आपकी आंखों के चश्मे का नंबर कम होगा बल्कि उसको आप उतार भी सकते हैं। तो देखा आपने कितने छोटे छोटे से सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको फॉलो करते हुए आप अपने आईज को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं, अपने ब्रेन को शार्प रख सकते हैं, अपनी मेमोरी को तेज कर सकते हैं। बस अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाकर रखने की जरूरत है। एक डिसिप्लिन लाइफ में होनी चाहिए, उसको अगर मेंटेन किया जाए तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी भी इच्छा हो रही है कि मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन या कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी मेरे चैनल पे बात की जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हैशटैग मेंटल हेल्थ लिखें और आप अपनी चॉइस बताइए कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है, मैं बस शॉर्टकट में बता दूं कि अपने को खुश रखिए और कुछ भी चीजें अपने अंदर ना रखें, अपने को एक्सप्रेस करें, अपने अपनों से बात करें, खुश रहने की कोशिश करें और जो भी लाइफ में पाना चाहते हैं उसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करें। करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि नए नए टॉपिक्स लाने में आप मेरा सपोर्ट करेंगे। और अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें हैशटैग मेंटल हेल्थ और बताइए कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।